गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, आइए मेहता जी बैठिए। अरे कमाल है, आपको मेरा नाम याद है? बिल्कुल याद है, मैं अपने खास पेशेंटों का नाम कैसे भूल सकती हूँ। और बोलिए, आप तो हमेशा ही किसी न किसी की प्रॉब्लम लेके आते हैं, आज किसकी प्रॉब्लम लेके आए हैं? डॉक्टर साहब, अब की बार मैं अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड रह चुकी लेडीज, उसकी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। वो इतनी शर्मीली है ना, अपनी बात किसी को नहीं बताती सिवाय मेरे, ना किसी डॉक्टर के पास जाती है, ना किसी को बताती है, क्या करूँ? इसलिए आपके पास आया हूँ पूछने के लिए। क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपकी फ्रेंड को? मेरी उस फ्रेंड को ना 4 साल पहले एक लड़की पैदा हुई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या प्रॉब्लम है आपकी फ्रेंड को? प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, अब मेरी फ्रेंड उसके पति के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उसके पति कहते हैं उसको कि संभोग करने में अब उसे मज़ा नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ इतना प्यार करते हैं उससे, उसके बिना रह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, मैं अपने उस फ्रेंड को लेकर ना परेशान भी हूँ और थोड़ा कन्फ्यूज भी हूँ। देखिए, यंग पेरेंट्स के लिए सेक्सुअल लाइफ इंजॉय करना बहुत ही मुश्किल बात है। आपकी फ्रेंड कन्फ्यूज भी है और परेशान भी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपकी फ्रेंड अपने आप को दोष क्यों दे रही है। ऐसे में तो उसके पति को उसकी हेल्प करनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया, आपकी फ्रेंड और उसके पति में बहुत प्यार है। अब लव और सेक्स कोई अलग चीज़ तो है नहीं, ये दोनों तो एक ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, बेबी होने के बाद जो औरत का गुप्तांग है उसका साइज बढ़ जाता है क्या, जिससे पति को मज़ा नहीं आता? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वर्जिना का साइज बेबी होने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये बाद में पता चलता है बेबी होने के बाद कि उसका साइज कितना बड़ा है। अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल वर्जिना का साइज 3 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो उसकी वर्जिना का साइज 3.5 से 4.5 का होता है, और जब वो किसी बेबी को जन्म देने वाली होती है तो उसी वर्जिना का साइज 7 से 7.5 तक का होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेबी होने के बाद मसल जो है ढीले पड़ जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें आप बिल्कुल घबराएं नहीं। पर डॉक्टर साहब, ये बात तो उसके पति को समझनी चाहिए ना। चलो एनीवे, थमने का लेना, जैसा उसने मुझे कहा किसी डॉक्टर की सलाह ले लो, तो आपके पास आया हूँ। एक बात बताइए, औरत के प्राइवेट पार्ट्स को टाइट करने के लिए कुछ उपाय है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, उसे अपने प्राइवेट पार्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, जिसे हमारी भाषा में केरल एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज? कैसी एक्सरसाइज डॉक्टर साहब? जब कोई भी महिला यूरिन करे तो वो अपने यूरिन को 4-4 सेकंड के लिए रोक ले। इस तरह उसे पता चलेगा कि यूरिन रोकने से उसके मसल्स उसकी मदद कर रहे हैं, और इसी मसल्स को बोलते हैं पैरेलिक फोर मसल्स, और यही मसल्स आपकी एक्सरसाइज करते हैं। पर डॉक्टर, ये कैसे पता चलेगा कि एक्सरसाइज ठीक हो रही है या गलत हो रही है? ये बहुत ही आसान है, इसमें महिलाएं अपने फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 1 या 2 अपने हिसाब से। वर्जिना में जब मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या टाइट हो रहे हैं, या आपकी फिंगर वर्जिना में टाइट जा रही है, तो आपको लगेगा कि आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल सही हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये केरल एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए? ये कम से कम दिन में 5 से 10 बार करना चाहिए, लेकिन एक सेशन को कम से कम दिन में 10 बार दोहराना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर ये बताइए, इस एक्सरसाइज का असर कितने दिनों तक दिखेगा? इस एक्सरसाइज का असर 8 से 10 हफ्तों में आपको दिखाई देने लगेगा। क्या ये 100% श्योर है कि इससे फ़ायदा होगा? बहुत हद तक इससे फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं होता है तो आप वर्जिना कोन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वर्जिना कोन, ये क्या होता है डॉक्टर साहब? वर्जिना कोन एक डिवाइस है जो मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसे अलग अलग साइज में अलग अलग अपने हिसाब से महिलाएं यूज कर सकती हैं, खासकर बच्चों वाली महिलाएं। पहले इसे कम वेट में यूज करें, अगर आप इससे कंफर्टेबल होती हैं तो उसके बाद आप इसका वेट बढ़ा भी सकती हैं। डॉक्टर साहब, इसे कैसे यूज करना होगा, क्या इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। इसे 2-3 बार दिन में यूज करना है, और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे अपने प्राइवेट पार्ट में रखना है। वेरी गुड, अगर डॉक्टर साहब ऐसा हो गया ना तो वेरी गुड,
मेरी फ्रेंड की तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल असर होगा। अगर किसी वजह से असर नहीं होता है तो आपकी फ्रेंड किसी सर्जन से सलाह ले सकती है। ओके डॉक्टर, अब ये सारी बातें जो आपने मुझे बताई है ना, अपने फ्रेंड को समझा दूंगा अच्छी तरह से। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच।